लगी तो नहीं, लगी तो नहीं ना। चलो जाओ तो आराम से आराम से आराम से आराम से शीतल आराम से। यहाँ कुछ व्यू बर्फ देख रहे हो यार कितनी गिरी हुई है और टेम्परेचर है -9 इस समय। कोई नहीं उठा हुआ, सिर्फ मैं ही उठा हुआ, बाकी सब सो रहे हैं। और ये जो विलेज जहाँ रुके थे इसका नाम है कुप्पा। सांगला से 3 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं अभी हम। और इस माउंटेन पे बर्फ़ नहीं है और बाकी सारे माउंटेन पे बर्फ़ गिरी हुई है। देखिए आसपास के, ठंड बहुत है। ये यहाँ का कुछ व्यू जो आपको भी दिखाया मैंने। एकदम मेरी आवाज़, अकेला ही मैं उठाऊँगा इसमें, बाकी सब सो रहे हैं और मेरी आवाज़ जो है पूरी गूंज रही है यहाँ तक, तो मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। और जस्ट मैं भी अभी उठाऊँ, वो भी नहीं उठाया, सिर्फ ब्रुश किया, अभी ब्रुश करके आया हूँ मैं। सबसे पहले अपने दोस्तों को यहाँ का व्यू दिखा दिया जाए जो वेट कर रहे होंगे, तो इसलिए उठा मैंने सबसे पहले, कैमरा ऑन किया। आह क्या नज़ारे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको भी। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है गाइज़ यहाँ का। सो आज की जो हमारी राइड है गाइज़ यहाँ से होगी चितकुल की। चितकुल से फिर चले जाएंगे वापस हम शिमला जाएंगे, शिमला फिर या चंडीगढ़ निकल जाएंगे वापस। देखते हैं जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। और आप तब तक ये व्यू देखिए। और सुबह निकलेंगे हम इधर को, अब थोड़ी देर में आगे को। चलो ठीक है गाइज़, फिर मिलते हैं आपको सीधा गोप्रो मोड में। यार बाहर से बर्फ़ गिरी हुई है यार, बर्फ़ गिरी हुई है सामने पूरे, बर्फ ऊपर पूरे ढके हैं माउंटेन से। यही सी यही सूखा पहाड़ है, बाकी सब में बर्फ गिरी हुई है। बर्फ ये बहुत जबरदस्त, जानते जानते पता लगेगा हूँ। -9 डिग्री टेम्परेचर, हाथ मेरे सुनो सुखी ठंडा है, सुख मतलब हो रही है, सुन हो रहे हैं। चलो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये तो गाइस सूरज फिर हो गया है सनराइज़ माउंटेन के पीछे से। और अभी जस्ट लगे हैं निकलने हैं यहाँ चितकुल के लिए। So guys, good morning. This is Vishal signing in with Flore and Varun Note. So guys, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से चितकुल के लिए। और सुबह का आपको मॉर्निंग के व्यू दिखा रहे हैं, एकदम औसम व्यू है। सो अभी चितकुल निकलेंगे और रास्ता भी दिखाएंगे आपको, रास्ते के व्यू भी दिखाएंगे। सो गाइज इसी नोट पे करते हैं वीडियो को शुरू। दिस इज़ विशाल साइनिंग इन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AVS Vlog। सो चलते हैं, आप सीधा मिलते हैं GoPro मोड में। बिल्कुल गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाकी बिल्कुल जो भी नए फ्रेंड्स देख रहे हो AVS बाइक को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। सबको गाइस चेकआउट करें, हम भी हैं, चेकआउट करें, एक बार चेकआउट करें, वर नोट है शीतल, सबको करें बिल्कुल गाइस। और अभी निकलेंगे हम सांगला से, आगे का सफर मिलेंगे आपसे बाइक पे ही होंगे बातें, बिल्कुल बिल्कुल बाकी की बातें हम बाइक पे करेंगे, आपसे बताते रहेंगे। चलो गाइस चलते हैं फिर। सो गाइस थोड़ा दिक्कत हुई सुबह सुबह स्टार्टिंग में, अब तो होगी स्टार्ट गाड़ी हमारी, हाँ चौक पे हो रही है स्टार्ट। तो ये था हमारा होटल जहाँ हम रुके थे, होटल रॉक व्यू गेस्ट हाउस। तो पेमेंट कर दें इनकी, पेमेंट पानी पानी पिलो, आ जाओ पिला दो अंकल जी, पानी पिला दो पानी। रेडी हो गए हैं, निकलने वाले अभी यहाँ से। खोल दो अंकल जी गेट, चले फिर। तो निकलते हैं गाइस होटल रॉक व्यू से, ठीक है अंकल जी, फिर आएंगे। अब कॉल करके आना क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कॉल करके आएंगे आपको। तो ये था विलेज जहाँ हम रुके थे कुप्पा में। घुमाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसे करके उल्टा इसको ऐसे घुमाओ सीधा करके। ये जो तिब्बती होते हैं तो उनका उनका मानना है कि जब ये इस पे जो मंत्र लिखे हुए हैं ना, जब ये घूमता हवा में तो पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, तो इसको घुमाना अच्छी चीज़ होती है। तो चलते हैं अब आगे यहाँ से गाइस, फिर निकलते हैं विलेज कुप्पा से। ये है विलेज, छोटा सा विलेज है कुप्पा। उसके आगे आएगा सांगला 3 किलोमीटर बाद। हम 3 किलोमीटर पहले रुक गए, 3 किलोमीटर पीछे ही रुक गए थे। और ये लगे हुए हैं सेब, आई थिंक बीच बीच में सेब के बाग लगे हुए हैं, सेब होता है इस साइड भी। हाँ 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 ठंडी ठंडी हवा और माउंटेन्स में ऊपर कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। सो गाइस यहाँ पर होटल्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल है। सांगला कुप्पा से आपको होटल मिलना शुरू हो जाएंगे। कुप्पा से अगर आप आते हो करचम से रास्ता करता है सांगला के लिए, तो उसके 10-12 किलोमीटर के बाद कुप्पा आता है, तो कुप्पा से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे होटल। तो रास्ते में होटल मिलेंगे और कुप्पा से पीछे कुछ भी नहीं है, तो अब तो होटल काफ़ी है। सांगला आने वाला थोड़ी देर में, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि होटल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे रूम्स रहते ही हैं। अगर पीक सीजन में आते हो तब थोड़ी मुश्किल होती है कि तब बंदे बुकिंग करवा के आते हैं, समटाइम होटल रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये है सांगला। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सांगला। तो होटल्स हैं यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल। ये लिखा है सांगला 0 किलोमीटर, तो सांगला आ गए हम। ये है सांगला की मार्केट, पीने का पानी अच्छा। और ये है सांगला का बस स्टैंड, ये देख लीजिए। अब यहाँ से जाएंगे हम आगे। रोड तो एकदम ओके है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। और माउंटेन्स में देखिए ऊपर कितनी स्नो गिरी हुई है। बस अब आपको ऊपर ये माउंटेन में स्नो ही दिखेगी। अब आगे से आगे यही है शायद, ये चिटकुल। चिटकुल जनाब, चिटकुल यही है। पुल देखिए गाइस, यहाँ ऊपर आपको लोहे के ब्रिज मिलेंगे ऐसे ऐसे। सांगला दरबार में स्वागत है आपका। तो यहाँ सांगला का गेट था ये, और ये है मार्केट सांगला की। अच्छी मार्केट है सांगला में, ऐसी बात तो नहीं है। अभी मार्केट खुली नहीं है, सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं, 9-10 बजे खोलते हैं, 11 बजे तक। संडे है एक तो, पहली बात तो संडे को हिमाचल में मार्केट बंद रखते हैं मोस्टली। सांगला में तो अच्छा रोड मिल गया है। रोड पीछे भी अच्छा था, बट लेकिन कुछ पैच थे जो कच्चे थे, बाकी तो रोड ओके था। रोड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ना खड्डे हैं, मतलब पास की तरह रोड नहीं है। ऐसे पासिस होते हैं, चांसल पास हो गया, सच पास हो गया, वैसा रोड नहीं है। रोड मक्खन है। ओह बर्फ़ गिरी हुई है। पहला फॉल। लगी तो नहीं, लगी तो नहीं ना। चलो जाओ, आराम से आराम से आराम से और आराम से शीतल, आराम से। सर बर्फ गिरी जमी हुई है, यहाँ से ऊपर और ज्यादा है, और ज्यादा है। यहाँ से ऊपर जाना फजूल है, फजूल है। चलो ब्रेक नहीं मारनी, बस ब्रेक। अच्छा जी, मैं ही बच गया गिरता, मैंने ब्रेक मारी छोड़ दी बस एकदम से। चला कर देख गाड़ी, ठीक तो है, स्टार्ट करके देख। ओके ओके, स्टार्ट हो गई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से, लगी नहीं, बच गया बच गया। एक्चुअली ना स्किट है ना, ये बर्फ गिरी ना एकदम, टायर घूम गया जैसे तुम्हारा घुमा वहाँ पे। देखो मैंने देख ली, पर मैंने ब्रेक नहीं मारी, मैं छोड़ दिया ऐसे ही बस। मैं ब्रेक मारी तो घूमा टायर, अभी ले जानी पड़ेगी आराम से। अब चलो कोई नहीं, होता होता है। नहीं बर्फ़ है यार, पूरी बर्फ़ गिरी हुई है। तो गाइस आज के दिन का पहला फॉल हुआ हमारे नोटे जी। स्किट करके यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि पानी गिरा हुआ दिखा नहीं हमें, पीछे से हम तेज आए। मैं भी स्किट करने वाला था, गिरने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया। नोटे जी ने ब्रेक मारी दी थी मुझे लगता है, हाँ तभी गाड़ी स्किट होगी, नहीं तो होती ना। तो ये है कि बर्फ़ पे थोड़ा ध्यान, ये जो होते हैं ना वाइट जो पानी गिराता है यहाँ पे, ये दिक्कत करते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं यहाँ से अभी आगे। ये पानी गिरा हुआ, पानी जम गया, ये बर्फ़ नहीं है, ये स्नो नहीं है। स्नो होती तो निकल जाती बाइक उसके ऊपर से। चलो यहाँ से आराम से चलना होगा, बिकॉज बर्फ़ गिरी हुई थी। ये देखिए, ये पानी गिरा हुआ रोड के ऊपर कितना। ये पानी की वजह से गिर रहे हैं बंदे, वैसे नहीं गिरना था हमने। ओहो पानी गिर रखा ना यार, ये पानी ना गिरा होता ना, पानी जम गया एक्चुअली ना ये। और थोड़ी धूप चलेगी फिर पिघलेगा ये। चलो जी निकल गए। गाइस चिटकुल रह गया है कोई 23-24 किलोमीटर, सांगला से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है चिटकुल का। तो चितकुल जो है गाइस काफ़ी फेमस विलेज है, वो इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है। इंडिया का लास्ट विलेज, वहाँ पे इंडिया का आखिरी ढाबा करके जगह भी बहुत फेमस है। बहुत से लोगों ने वहाँ की वीडियो डाली हुई है। इंडिया का लास्ट ढाबा, ढाबा का नाम ही है इंडिया का लास्ट ढाबा। तो देख सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद में तिब्बत चाइना की बॉर्डर लग जाएगी। गाइस आ रही है देख के आपको यहाँ पे चांसल पास वाली फीलिंग, चांसल और सच पास वाली फीलिंग आएगी आगे माउंटेन्स को देखकर। क्या हुआ? अच्छा हाँ थोड़े गर्म हो जाएंगे ना। हो जाएगा इस पूरी वाइट चादर हो गया, वाइट 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 से माउंटेन घिरे हुए हैं। यहाँ नीचे भी गिरी हुई है, वो भी गिरी हुई है, देखिए। थोड़ा बाइक की थोड़ी खड़ी कर दी है अभी हमने यहाँ पर। तो नोटे जी गिर गए, नोटे जी को चोट लगी ना, एकदम फायदा होता होता मज़ा आता है। इसी को एडवेंचर बोलते हैं। मंदिर है भोले बाबा जी का, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो शिव शंभू आज की राइड हमारी अच्छे से करवाएंगे। और ऊपर बर्फ़ देखिए, स्नो कितनी गिरी हुई है। ये तो बस दिखते रहेंगे आपको, क्या बोले अब। रोड थोड़ा ठीक है गाइस, ये इतना अच्छा रोड है फिर भी, काफ़ी हद तक अच्छा रोड है ये हमारे लिए। तो थोड़ा एडवेंचर भी है और थोड़ा स्मूथनेस भी है, बीच में एडवेंचर भी है। हाँ हाँ हाँ। और इस साइड है खाईपुरी। ओहो हो हो, आई थिंक ये सतलुज नहीं है, सतलुज नहीं है ये, नदी कोई और है साथ चल रही है जो सतलुज पली से निकल गई है। सो गाइस रोड देखिए कितना संकरा हो गया है। और नीचे एक विलेज है वहाँ पर। ओह क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत वैली लग रही है पूरी ये। और ऊपर माउंटेन बर्फ़ देखिए। और इसके अगला जो स्टेशन आएगा रक्षम, रक्षम है यहाँ से 7 किलोमीटर। सो चलते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी बर्फ़ जमी हुई है तो यहाँ से आराम से निकालते हैं। वैसे मिट्टी है, मिट्टी में गाड़ी स्किट नहीं होती है। और पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ओहो ज़बरदस्त ऑसम व्यू है, साथ में डेंजर्स भी है क्योंकि ये जितनी ही नेचर जितना ही ब्यूटीफुल है उतना ही खतरनाक भी है गाइस। जो नेचर जितना ही ब्यूटीफुल होता है उतना ही खतरनाक भी होता है गाइस, समझ रहे हो बात को ना। ये उतना खतरनाक भी है जितना ये ब्यूटीफुल नज़ारे हैं ना, उतना खतरनाक भी है। और रोड थोड़ा कच्चा आ गया यहाँ से, पर फिर भी बढ़िया है। वीडियो देख लो गाइस। ये है किन्नौर की शिप्स। हेलो, डर रही है मेरे को देख के ना, डर रहे मेरे देख के। चलेगी। सो ये है किन्नौर की वेडे। हाँ बर्फ़ गिरी है रोड पे, दिख रही है आपको साइडों में गिरी हुई। स्नोफॉल हुआ होगा कि 2 दिन पहले हुआ है स्नोफॉल। ये बस रोड पे नहीं होनी चाहिए, रोड के किनारे चाहे पड़ी रहे ये, अगर रोड पे आ जाएगी तो बहुत दिक्कत देगी हमें। गाइस फिर हम पहुंच गए हैं रक्षम। ये आ गया है रक्षम विलेज। हाँ 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 हाँ। और बर्फ़ गिरी है, बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, ये बर्फ़ बहुत ख़तरनाक होती है। ये है विलेज रक्षम किन्नर रिजॉर्ट होटल रेस्टोरेंट। यहाँ भी होटल्स हैं, आपको रक्षम ही होटल मिल जाएगा गाइस। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रक्षम। और ये देखिए सारे नीचे लेक है और इनके जो खेत हैं ये सारे स्नो से वाइटेड हो चुके हैं। 9 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे फिर तो। आधे घंटे तक पहुँच जाएंगे ना, आधे घंटे तक। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ओके थैंक यू। तो चिटकुल गाइस यहाँ से है 9 किलोमीटर। जैसा कि अभी लोकल से पूछा तो ये लोकल पहाड़ी बंदे थे, पहाड़ी। ओह क्या बात है। और ये विलेज था रक्षम। यहाँ पे PWD का रेस्ट हाउस भी है, ये देखिए रक्षम PWD रेस्ट हाउस। ओह सो गाइस अब जो सुन रहा है बिल्कुल साथ साथ आ गई है रोड के, बस ये रोड पे ना आए, साथ साथ ही रहे। और ठंड बहुत लग रही है, ठंड बढ़ गई है क्योंकि अब स्नो आ गई है, तो स्नो के कारण ठंड बहुत लग रही है। अब आगे चितकुल रह गया यहाँ से 8-9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर तो आ गया हूँ आगे। तो बस ये रोड के साथ साथ रहे, रोड पे ना आए। तो आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा गाइस चितकुल में ही होगा सबका, क्योंकि हमने होटल से कुछ खाया नहीं है, सीधा निकल आए होटल से हम ऐसे ही। तो आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा सीधा चितकुल में ही होगा। तो आगे शायद कोई आर्मी का कैंप आया है, आर्मी वाले खड़े हुए हैं। ये जगह नाम है मस्तरंग चौकी, मस्तरंग चौकी। चिटकुल रह गए यहाँ से 7 किलोमीटर गाइस। जय साहब। तो ये लीजिए। हाँ 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 हाँ। चिटकुल 7 किलोमीटर है, बस पहुँचने ही वाले हैं आधे घंटे तक। बर्फ़ है ना, ये जो माउंटेन बर्फ़ गिरी है देखो, पिघल के ये पानी जम गया हुआ है, तो इससे टायर स्किड होते हैं हमारे। तो इस पर हमेशा आराम से लेके जाओ। ये देखो ये हुआ हल्का सा हुआ पीछे का, लेकिन बच गया। चलो अपने दूसरे दोस्त आ रहे हैं, उनकी वेट करते हैं, अभी उनको भी साथ ले लेते हैं। तो गाइस 15 मिनट हो गए मुझे वेट करते हुए, क्यों वो आए नहीं अभी तक। चलता हूँ फिर मैं आगे, वो आएंगे आ जाएंगे फिर अपने आप ही। 10 मिनट से हो गए मुझे, वॉशरूम भी कर लिया, काफ़ी पीछे रह गए वो, या रुके होंगे पीछे कैमरा कुमरा चेक करने के लिए। चलो फिर हम चलते हैं आगे, आ जाएंगे। 10 बज चुके हैं, इस अभी तक तो चिटकुल पहुँच जाना चाहिए था। 1 घंटा हो गया चले, देखो 9 बजे निकले थे पूरे हम वहाँ से। सो गाइस मन कर रहा है इस माउंटेन्स को निहारते रहें, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और नीचे पूरा स्नोफॉल हो रखा है, देखिए। अब अपने राइडर भी आ गए हैं, काफ़ी स्लो आ रहे हैं, अब पहुँचे जाके देख लो। चलो चलो सो रोड देख ही रहे हो गाइस। अब बीच बीच में कुछ कुछ पैच आते हैं जो थोड़े कच्चे होते हैं, बाकी रोड ऑलमोस्ट अच्छा ही है, क्योंकि आर्मी की यहाँ ट्रक जाते रहते हैं, आर्मी के ट्रक, तो रोड मस्त है। और चितकुल से आगे एक विलेज पड़ता है धूमती, जो है डुमटी करके विलेज है, जो कि है 21 किलोमीटर चितकुल से आगे। चितकुल से आगे भी एक विलेज है, मुझे लगता है उससे आगे कुछ नहीं है। फिर इंडिया चाइना इंडो चाइना की बॉर्डर है फिर, और वहाँ पे है आर्मी वाले, शायद वहाँ जाने भी देते होंगे। रोड आपके सामने एकदम बढ़िया रोड है, कच्चा है बीच में और बीच में पक्का भी है, तो ठीक है रोड इतना बेकार भी नहीं है कि। और अभी काफ़ी लोग आए हुए हैं, देखिए हमने गाड़ियाँ दिल्ली नंबर पंजाब नंबर गाड़ियाँ आई हुई थी, तो ठीक है रोड। और धूप निकली हुई है हल्की हल्की। बस ये है सामने चितकुल के माउंटेन, बस चितकुल यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है। ओ तेरी क्या बात है जी, हाँ 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 हाँ, स्नो से ढके हुए माउंटेन देखिएगा साहब, जबरदस्त व्यू आ रहा है एकदम खतरनाक। और ये लिखा हुआ है चितकुल। सो गाइज वी आर रिच्ड ऑन चितकुल। चितकुल 11,320 फीट पे पहुंच चुके हम, इंडिया लास्ट विलेज चितकुल सुनिस्ट वालों लगाया ये। तो ये देखिए चितकुल है, चितकुल 11,320 फीट की हाइट पे पहुंच चुके हैं। ये गाइस चितकुल चितकुल पहुंच गए हम, चितकुल। और सामने माउंटेन्स के व्यू देखिए गाइस आप। सो गाइस ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हीरो हीरोइन आते रहते हैं, फोटो चाहिए इन्होंने। ये देखिए, क्या हाल अंकल जी? आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप तो बहुत फेमस हो गए हो।